हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइयो बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। भाई अपनी एक गाड़ी आई है लेलैंड BS6, बड़ी प्रॉब्लम आई है। वो गाड़ी मैंने 50 जगह कंपनी में दिखा ली, हर जगह कंपनी में, जो लेलैंड की हर जगह कंपनी में, पर वो गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। रेस वाला ये वो गाड़ी है, ये गाड़ी अभी मैंने खाली मंगाई है राजस्थान से। खाली गाड़ी जो लोड आती थी, खाली गाड़ी मंगाई है सिर्फ इसके लिए कि इसका काम करवाना है। अभी बात करते हैं इसके काम के ऊपर। सही नहीं है, बराबर सही नहीं है। मीन्स कि मान के चलो कि कहीं कहाँ से भी आप डलवा रहे हो यूरिया, तो जो धुआं निकल रहा है वो जला नहीं रहा है प्रॉपर, बराबर। तो टाटा लेलैंड गाड़ी है, टाटा का मत यूज़ करो। मैंने सेठ को भी बोल दिया है, HP इंडियन ऑयल या गल्फ, पहले प्रीफर करो गल्फ। अगर कोई जहाँ पे पेट्रोल पंप मिलता है इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल डालो, और तीसरा HP का। तीन ब्रांड का यूरिया डालना है, यूज करना है। सेठ से इनकी बात हो गई है यूरिया के लिए, जब अभी एक बार सेठ से बात कर लेना कि उन्होंने ऐसा बोला था। महते से बात करना पहले, वो बोलेगा नहीं तो उसको बोलना भाई कंपनी वाले ने बोला था, सेठ की बात हुई है जीतू सेठ की, आप एक बार जीतू सेठ से बात कर लो तो ठीक है। नहीं अगर वो मना करते हैं जहाँ से डाल लें फिर ठीक है। तो ये बार बार जाम कर रहे हैं ना, तो धुआं नहीं निकल रहा है प्रॉपर और उसको जला नहीं रहा। तो फिर ऐसे काम कर दीजिए, अभी ये यूरिया की टंकी फुल, आपको बता वो अपने सुमेरपुर से फुल करवाई, उस टाइम में थोड़ा ही शुरू यूरिया। सुमेरपुर में से कहाँ से फुल करवाई गाड़ी? लीलैंड कंपनी में से करवाई, यहाँ से मैं ये पहली चक्कर ही लेके गया गाड़ी अपने ग्रुप द्वारा से, मैंने गाड़ी उठाई। पहली बात तो एकदम ऊपर तक यूरिया नहीं भरने का, यूरिया थोड़ा खाली रखने का, टंकी भी थोड़ी खाली होनी चाहिए। यूरिया ऊपर तक नहीं भरा, यूरिया में खाली जो मुंह होता है ना, मुंह से इतनी खाली रहनी चाहिए टंकी। हाँ अभी समेरपुर से भर ली, अभी जो सेठ से बात हुई है उस हिसाब से एक बार देख लीजिए, और जहाँ पे भी डलवाना चाहो ना वो उनसे बात कर लीजिए। यूरिया पूरा निकाल लेता हूँ, बोलो पूरा निकाल। यूरिया में थोड़ा कंजप्शन आता है यार, अभी यूरिया का काम क्या है, यूरिया का काम क्या है वहाँ पे देखिए आप। अपना टाटा जैसा नहीं है लेलैंड में, लेलैंड में वहाँ पे साइलेंसर में नोजल दी हुई है। हाँ वो बराबर, वो बाहर जब धुआं निकलता है ना वहाँ पे स्प्रे करती है। अगर वो स्प्रे प्रॉपर कब करेगी, जब आपका धुआं प्रॉपर निकल रहा है तब स्प्रे करेगी, नहीं तो स्प्रे नहीं करेगी। अभी ये बात जो बोली है उस चीज का ध्यान रखना, जो यूरिया यूज करना है अपने को, तो इंडियन का, ग्लव्स का, या वहाँ से डालना कंपनी से। हाँ तो बस कंपनी से डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तुम जाओ सेठ से बात हो गई, अभी गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी जोड़ो ऑफिस पे जाओ और बस भरने जाओ गाड़ी, ठीक है। इसीलिए मैं आया था, अभी बातचीत हो गई है, काम खत्म, जाओ लोग गेट पास। गाड़ी खड़ी है कोई, अपन एक ड्राइवर आया हुआ है। वो काका? मैं काका नहीं, दूसरा है, काका से गाड़ी नहीं चलती, काका तो होगी। हाँ तो कोई नहीं, आता हूँ मैं गेट पे। गेट पास इनको बोल दिया, जाओ बोल दिया, जाओ जाओ निकलो ऑफिस में, ग्रीस लगा लेना कछुए पे, ऐसे फिट मत करना। जाओ अभी ये गाड़ी का काम हुआ था रास्ते में। तो भाई अभी मैं लेलैंड से निकल गया हूँ, जा रहा हूँ ऑफिस पे। लेलैंड में इसलिए गया था, अपनी एक BS6 गाड़ी थी जो 55-25 घोड़ा है ना, कैप्टन कैबिन, वो गाड़ी का रास्ते में प्रॉब्लम आ गई थी। क्या पिछले संडे ना वो गाड़ी को डाला था यहाँ पे कंपनी में, उसके अंदर ना रीजनरेशन की प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर। रीजनरेशन की प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है, कभी कभी यूरिया जम जाता है, स्पलेंसर में ज़्यादा जम जाता है ना, तो उसमें दिक्कत आ जाती है रीजनरेशन की। तो उसका कोड था तो यहाँ से काम करवा के भेजा, गाड़ी राजस्थान पहुंची, राजस्थान जाके ना फिर वो गाड़ी खड़ी होगी, खराब होगी। तो वहाँ पे जिन बंदों ने गाड़ी चेक की उन्होंने बोला भाई इस गाड़ी के अंदर ना अपने को प्रॉब्लम है, हेड में दिक्कत है। तो उधर क्या है, इस गाड़ी के अंदर जो अपना था, जो पहले लेलैंड ने गाड़ी जो निकाली थी वो 4 सिलेंडर गाड़ी थी, ये 55-25 के अंदर 4 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर इंजन के अंदर हेड, ऑब्वियसली बात है कि भाई हेड का सामान बहुत महंगा आएगा, और कंपनी के सिवा कहीं आएगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा कंजप्शन इंजन जो बनाया उन्होंने 4 सिलेंडर में बनाया है, तो उसका भाई दिक्कत आती है उन गाड़ियों के इंजनों में, दिक्कत आती है। लेलैंड भी बोलती है ये बात, और बाद में लेलैंड ने बंद करके 6 इंजन में कन्वर्ट कर दिया था, ये शुरू में ही कुछ गाड़ियों में ये इंजन आए थे। तो भाई फिर वो खोला, हेड का वाल वूल का कोई प्रॉब्लम था उन्होंने किया, अभी था कि नहीं था प्रॉब्लम ये नहीं पता, पर उन्होंने वहां से काम कर दिया, वही गाड़ी सेम ऑफिस आई,
तो अपने को ये बात नहीं पता था कि हेड का कोई प्रॉब्लम है, हेड का कोई काम हुआ है रास्ते में, क्योंकि भाई सेठ की और उससे बात होके काम हुआ था। तो गाड़ी यहाँ आई सुबह से खड़ी, इन्होंने रीजनरेशन किया, काम किया, कंजप्शन जमा और भी सारा काम करके गाड़ी का रेडी किया, बोला गाड़ी सही है। तो गाड़ी सही है, अभी फिर वही चीज वो बंदा समझा रहा था कि भाई यूरिया लेलन में कहाँ का डालना चाहिए, गल्फ का ज्यादा डालना चाहिए, HP का, इंडियन का, टाटा का यूरिया लेलन में यूज मत करो। सबसे बड़ी बात उसने ये बोली है, क्योंकि यूरिया में कई क्वालिटी आती है भाई, ये बात इनका कहना है, तो क्वालिटी आती है। तो अभी देखो आगे हमने ये मैसेज पास कर दिया, अभी ऑफिस जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की अपग्रेडिंग हो रही है, चल के उसको सामान सुमून देते हैं। लो भाई अपनी एक और गाड़ी अपनी आ गई है ऑफिस पे बड़ौदा पे, जो काम कराने वो गाड़ी भी आई थी, उसका भी अपग्रेसिंग करवा दी। अभी ये गाड़ी भी आई है खाली होके जामनगर से, इसकी भी अपग्रेसिंग हो रही है, पर इसकी अपग्रेसिंग क्या है, दोपहर के बाद 3 बजे 3:30 बजे के बाद मनोज भाई लगे अपग्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी इतनी पड़ रही है ना अपने बड़ौदा में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी ये फिलहाल पीछे की 4 हवें हो गई हैं, आगे की जितनी होंगी अभी कर देंगे, बाकी जो बचेगी सुबह कर देंगे, क्योंकि अभी ये गाड़ी का काम है, अभी इस गाड़ी का काम है। क्या है, गाड़ियों का पूरा काम करा के भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां अपने ऑफिस पे आती जाती नहीं है, इस वजह से अभी जो 73-78 गाड़ी थी उसको भेज दिया था, उसका क्या पूरा काम करवा दिया था, गाड़ी का एकदम कंप्लीट करवा दी थी, जो जो ड्राइवर बोला सब। और अभी ये जो गाड़ी है इसका क्या, अपनी 12 तारीख को सुरक्षा ख़त्म है, ये जो माल इस गाड़ी में भरा जाता है वो खतरनाक माल है, केमिकल जो जिसे MTB कहते हैं, पेट्रोल में यूज होता है, उसका क्या पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों में बहुत यूज होता है, सरकारी में जो माल होता है। अभी क्या इस गाड़ी का सुरक्षा है, तो इसका क्या है, कप्पा वप्पा खोल रहे हैं, पानी भर के गाड़ी चेक की है, कप्पा खोल रहे हैं, अभी कप्पा खोल के अंदर से पूरी गाड़ी एक बार चेक कर लेंगे। बाकी ये गाड़ी की क्या आगे की हेडलाइट बदलनी है, क्योंकि गाड़ी बॉम्बे चलती है, हेडलाइट में भी दिक्कत है, हेडलाइट टूटी हुई है, अभी इसकी हेडलाइट चेंज करनी है, आगे वाली हेडलाइट टूटी हुई है, और भी छोटा मोटा इस गाड़ी का काम है। तो अभी ये गाड़ी अपनी कल शाम परसों सुबह तक ये गाड़ी चली जाएगी, ये गाड़ी रहेगी, ये गाड़ी परसों शाम तक ये गाड़ी निकलेगी। अभी पहले इस गाड़ी के ड्राइवर से पूछ लेते हैं क्या क्या काम है। अपग्रेसिंग तो सबका ही है, उसका तो पूछने की जरूरत नहीं, आई गाड़ी अपग्रेसिंग कराओ बस, पर बाकी उसके अलावा और क्या काम है ड्राइवर से पूछ लेते हैं। ये गाड़ी दूसरी बार आई है, पहली बार में अपना ड्राइवर काम करवा के नहीं गया, पहली बार तो ऐसी भाग गया। बोलो क्या क्या काम है गाड़ी में। ये क्या अपग्रेसिंग तो हो ही रही है, दूसरा लाइट का ही काम है बस, टायर टप्पर सब सही है तो बस। अभी क्या है, बस इनका लाइट का ही काम है, बाकी तो सब सही है। अभी लाइट का काम क्या है, अभी आज मनोज भाई जितना होंगे कर दें, बाकी कल फिर इसकी सर्विस करवा के फिर इसका लाइट वाइट का काम करवाएंगे, सुबह जो बदलने वाली होगी बदलवा देंगे। लाइटों का क्या हिसाब है कि ये साइड वाइड की ये थोड़ी बहुत लाइटें बंद होंगी, इसका काम होने वाला है, ये थोड़ा वायरिंग निकली हुई है इसको हटा देंगे, और बाकी टायर तो आप देख सकते हो भाई, टायर तो अपनी गाड़ी में सब रेडियल टायर है, देख रहे हो नए नए टायर कोई अपनी गाड़ी में ख़राब नहीं मिलेगा, ये भी नए टायर हैं JK के, ये भी नए, मतलब टायर तो अपनी गाड़ी में देखो भाई 99% ना कोई ख़राब नहीं मिलेगा, सब नए टायर मिलेंगे, पीछे भी नए, क्राउन में नए, आगे चारों नए। हम रिमोट टायर यूज़ करते हैं ना, सिर्फ लिफ्ट एक्सल में यूज़ करते हैं, बाकी किसी जगह यूज़ नहीं करते, पूरा एकदम परफेक्ट। ये भी सब टायर एकदम सही हैं, ये वाले भी देखो, पूरा ग्रीस भी A1 क्वालिटी की यूज़ करते हैं, ये भी टायर एकदम सही हैं, और आगे के चारों टायर एकदम सही हैं, ठीक है। हेडलाइट अपन लोग ने चेंज करनी है, बम्पर हल्का टेढ़ा है, ये हेडलाइट भी ख़राब है, ये हेडलाइट एकदम सही है, खाली एक हेडलाइट बदलनी है, और बाकी थोड़ा लाइट वाइट का काम है वो भी करवा देंगे सुबह, और गाड़ी ओके। मतलब इसका मतलब गाड़ी काम कम है, तो कल शाम तक ये गाड़ी निकल जाएगी अपनी, कल शाम तक ये गाड़ी का काम हो जाएगा और ये गाड़ी चली जाएगी, ज़्यादा काम नहीं है। ज़्यादा काम है तो बता दो, अभी इतना ही है ना। चलो अभी तुम्हारे को दिखाया, हमारा ड्राइवर देखो वार्तालाप कर रहा है, अभी देखो अपना ड्राइवर बैठा है ऊपर, कानों में लगा रखी है ब्लूटूथ, वाह हाँ कम हो जो
देख लो बंदा लगा हुआ है इस टाइम पूरा काम करने पे, ऐसे कर दो वैसे कर दो तैसे कर दो। अभी ये टायर बंदे ने अपने ने गलत कर दिए, ये टायर यहाँ करने थे, ये टायर यहाँ पे करने थे, कोई नहीं अभी करवा देंगे। पानी भरा हुआ है इस टाइम गाड़ी में ना, पूरा सारे कप्पे पानी भरे हुए हैं। इसको पीछे के सारे टायर, चारों टायर ये भी नए, इधर रिमोट टायर लगा दिया, ये टायर भी एकदम सही बढ़िया एकदम नया, ये टायर भी एकदम सही है, आगे का भी टायर एकदम सही है। ये आगे की हेडलाइट बताओ, ये हेडलाइट भी टूट गई, ये हेडलाइट भी टूट गई इधर से, मतलब ये हेडलाइट भी बदलनी पड़ेगी, ये भी इसकी, मतलब चारों हेडलाइट अपने को चेंज करनी पड़ेगी आगे की चारों। और बाकी ये आगे के दोनों टायर एकदम सही, ये रिमोट लगा दिया, ये टायर भी नया और ये टायर भी एकदम सही नए। मतलब कुल मिला के ना इसमें अपने को टायर बदल, टायर तो दे दिए, टायर तो मैंने इसको देने थे, ये दोनों लिफ्ट के नए दे दिए, एक जोड़ी ये दी नई और एक जोड़ी उधर जो पीछे लगाई है ना पीछे की साइड वो भी नया दिया। बाकी और तो कुछ नहीं, बाकी है वेल्डिंग वेल्डिंग का काम है, कप्पे अपन लोग चेक कर लेते हैं ऊपर चढ़ के कोई लीकेज है कि नहीं। इस गाड़ी के अंदर ना सिस्टम बहुत अलग है, जैसे और गाड़ियों के अंदर वाल वूल आता है ना, वो वाल वाला सिस्टम नहीं है ये गाड़ियों में, ये सब इलेक्ट्रिक सिस्टम है। यहाँ से वाल खुलेंगे इसके, वहाँ से प्रेशर, जितने वाल चलते ना इसके प्रेशर से चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं, सीधे साधा कोई वाल नहीं चलता भाई इस गाड़ी का, देख रहे हो। यह सिस्टम बहुत महंगा सिस्टम है, ये बहुत महंगा, ये डीजल पेट्रोल जितनी गाड़ी अपनी डीजल की होंगी पेट्रोल की होंगी, ये सिर्फ वाल उन्हीं गाड़ियों में मिलेंगे, उसके सिवा किसी गाड़ी के अंदर ये वाल नहीं मिलेंगे किसी भी गाड़ी के अंदर। जो ऊपर का भी बनावट होगा ना, ढकने का बनावट होगा, वो भी अलग तरीके का होगा, उसका भी तरीका अलग होगा बनावट का, क्योंकि सेम तरीके से नहीं बनाते उसको, क्योंकि अपना जो एमएजी केमिकल की गाड़ी होती है उसके अंदर सादा वाल होता है, इसमें सादा वाल नहीं होता। बाकी ये जो गाड़ी है जो देख रहे हो पीछे झुकी हुई, ये क्या लॉन्ग चेसी गाड़ी है अपनी, शॉर्ट चेसी नहीं है, 14 टायर में लॉन्ग चेसी गाड़ी ये शुरू शुरू में आई थी, अभी ये लॉन्ग चेसी गाड़ी नहीं मिलती, अभी शॉर्ट चेसी ही गाड़ी मिलती है। अभी आपको ऊपर से दिखाते हैं कि ये टैंक ऊपर से कैसा, एकदम डिफरेंस टैंक दिखेगा आपको, सिर्फ ये डीजल वाली जो गाड़ियां चलती ना उसमें ये टैंक यूज होता है, उसके सिवा किसी में यूज नहीं होता ये टैंक। ये देखो ये ऊपर के ढकने, ये ऐसे बंद होते हैं पूरे, ये सब ढक्कन लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, ये भी सब पानी भर के क्या है, इसके कप्पे चेक कर रहे हैं, पर्दे चेक कर रहे हैं अपन लोग के पर्दे वर्दे लीक तो नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी का सुरक्षा है। अब यहाँ से ये जाएगा, जब हजीरा जाएगा तो हजीरा जाके इसने ना ये गाड़ी का करवाना है सुरक्षा, और सुरक्षा में क्या है जो काम होता है बहुत महंगा, एक तो पसंद का काम नहीं होगा, दूसरा एक वेल्डिंग मारने का अगर यहाँ पे अपना 500 लगना है, वहाँ पे सीधा सीधा 1500 रुपये वेल्डिंग मारने का, तो 1500 रुपये से नीचे पैसा मांगते नहीं, पर हम लोग यहाँ पे इसको एकदम परफेक्ट तरीके से करवा के भेजेंगे भाई, सीधा पेच वेच बढ़िया से उसकी थिकनेस लगा के अच्छे से वेल्डिंग करके अच्छे से उसका काम करके, तो वहाँ जाके दिक्कत ही ना आए भाई, सीधा सुरक्षा। हाँ वैसे इसको कई साल हो गए, ये इसको हमारे साथ हमारे पास गाड़ी चलाते चलाते 2017 से गाड़ी चला रहा है नहीं? 2017 से चला रहा है, 14 टायर गाड़ी पकड़ा तू 8188 वो 2000, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, 2016 से ये अपने पास गाड़ी चला रहा है बंदा, पहले ये मतलब वो अच्छा चलाता था चार कप्पों वाली टाटा गाड़ी। भाई निकल रहे हैं गाड़ी लेके, अभी ये कप्पे खोल लेगा फिर बाद में इसको देखते हैं। अभी भाई जा रहे हैं हम लोग अपने वाले नए वाले ऑफिस पे वायर लेने के लिए, क्योंकि मनोज भाई काम कर रहे हैं अपनी ना वायर पड़ी है, वो अजगर को क्या है वायर भी वापस करनी है, उसके पास से लेके आया था उस बेचारे के ना ड्रिल मशीन की अपना और ग्राइंडर व्रेंडर की वायर थी, तो बेचारे की ख़राब, अभी उसको देनी है वायर वापस, उसका काम रुका हुआ है। और अभी इधर अपने बंदे बैठे हैं फ्री वाली गाड़ी के कप्पे वप्पे बंदे ने खोल दिए, अभी सुबह आएगा टंकी वाला पर्दा वर्दा चेक करने के लिए, तो सुबह आएगा तो फिर सुबह मतलब गाड़ी का पर्दा चेक कराए फिर इसको काम पे भेज देंगे, यार काम करवा लेगा वेल्डिंग वोल्डिंग का, अपने को क्या वो ऊपर का पूरा रेलिंग विलिंग का काम वाम करवाना है। अभी मतलब सुबह दिखाएंगे क्या क्या काम इसमें करवाना है, इसमें इस गाड़ी में और उस गाड़ी में दोनों का सुरक्षा है और दोनों में काम भी
बहुत है, मतलब ज्यादा नहीं, वेल्डिंग वेल्डिंग का काम ज्यादा है। ये गाड़ी का अपनी का काम हो गया था पूरा, तो ये गाड़ी ऑर्डर, अगर ऑर्डर रहा तो ये गाड़ी चली जाएगी, नहीं रहा तो इसको एक जो ही टायर देने, तो फिर बाद में मतलब देखते हैं। अभी कोई फ़ोन महता नहीं उठा रहा है, अभी किसी का फ़ोन आएगा तो ये जाएगी गाड़ी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसका क्या, एक जो ही टायर इसको देना पड़ेगा, ख़राब है क्या सही है पता नहीं। और अपना टायरों का तो भाई ढेर लगा पड़ा है, क्या करें इतने सारे टायर पड़े। अभी अपना ड्राइवर जा रहा है नहाने, चलो। अभी भाई ये गाड़ी का काम रोक दिया है, अभी वो ड्राइवर टायर फिट कर रहा है पीछे के, अभी टायर वायर लगा लेगा, फिर आगे के टायर बचे हैं चार। ये सुबह मतलब सुबह आएंगे मनोज भाई 8 बजे, तो सुबह ये आगे वाले टायरों की अपग्रीसिंग हो जाएगी, बाकी सब काम कंप्लीट है। मेरे पास दो ही गाड़ियां हैं, एक ये और एक ये जो पेंडिंग में बची हैं, बाकी सब गाड़ी अपनी चली गई। वो गाड़ी देखेंगे वो शायद पेंडिंग में रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं पता है, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर अगर ऑर्डर मिलेगा चला जाएगा, नहीं मिलेगा तो सुबह उसके टायर देखने हैं, वो टायर के अंदर से खोल के चेक करने पड़ेंगे कट है कि नहीं है। बाकी सुबह मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना भाई हमारा चैनल।